मॉड्यूल 64 टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जब हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन की बात करते हैं ये बेसिकली एक एसोसिएशन होती है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट एंड टू प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट फार्मर हैज टू बी सर्टन कॉस्ट। और हम उन कॉस्ट को कैटेगराइज करते हैं अंडर दबेडिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कास्ट एंड टोटल कॉस्ट अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें विद रेफरेंस टू आउटपुट एंड कॉस्ट देन देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन क्या जी इफ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज हां जी इसी पैटर्न पर अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट के रेफरेंस में बात करूं तो भी क्या होगी एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस वेरियबल कॉस्ट ऑफ फार्मर विल इंक्रीज लेकिन जब हम इस बात को करें विध रेफरेंस टू फिक्स कॉस्ट तो वहां पे सिचुएशन क्या है कि आलथो आउटपुट इंक्रीजेस बट देयर इज नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट अब इसी हाइपोथेटिकल ये जो इंफॉर्मेशन है अगर मैं उसको एक टेबल टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो यहां पे हम सेकंड कॉलम में आपको रिपोर्ट करें एग्रीकल्चरल आउटपुट दैट इज द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट दैट अ फार्मर इज प्रोड्यूसिंग अगेंस्ट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ लेबर हां जी लेबर किस फॉर्म में मैर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ आवर्स जी फिर उसी पैटर्न पे मैं नेक्स्ट कॉलम में आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट हाँ जी आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फार्मर डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट हां जी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है कि दैट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू तो जीरो फार्मर इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी आउटपुट एंड वेरिएबल कॉस्ट इनक्रीज एज फार्मर प्रोड्यूस आउटपुट और टोटल कॉस्ट आपके पास क्या है कि वी आर बेसिकली गेटिंग टोटल कॉस्ट बाय एडिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट जी अगर मैं इसी चीज को ग्राफिकली रिपोर्ट कर दूं तो मेरे पास क्या है हम ऑरिजेंटल एक्सिस पे ले रहे हैं एग्रीकल्चरल आउटपुट और वर्टिकल एक्सिस पे हम यहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं टोटल कॉस्ट या यूं कह लें हम वर्टिकल एक्सिस पे रिपोर्ट कर रहे हैं कॉस्ट जी कौन कौन सी कॉस्ट हम इस डायग्राम में शो कर रहे हैं हम यहां पे आपके पास टोटल कॉस्ट शो कर रहे हैं हम वेरिएबल कॉस्ट शो कर रहे हैं और फिक्स्ड कॉस्ट शो कर रहे हैं हाँ जी अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है दिस इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सेस के देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट हां जी वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है फ्रॉम ओरिजन इफ फॉर फार्मर इज प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट देन इट्स कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो अब यहां पे एक और एसोसिएशन भी है कि इनिशियली क्या है एज एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट आ ड्रीजिंग रेट और लेटर स्टेज पे क्या हो रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट एंड इंक्रीजिंग रेट अब इसी पे यही रिलेशनशिप प्रिवेल कर रहे विद रेफरेंस टू टोटल कॉस्ट बट टोटल कॉस्ट हैज टू कंपोनेंट के टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्सड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट और ये जो डिफरेंस है बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंस रिप्रेजेंट्स द फिक्स्ड कॉस्ट अगेंस्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट और ये ये जो डिफरेंस है ये क्या है दिस इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोडक्शन अब इसी पैटर्न पे अगर हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को ड्रा करें अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट लेबर आवर्स तो यहां पे भी क्या एसोसिएशन है जी यहां पर इस पार्ट में हम क्या शो करें देर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड लेबर क्या सिचुएशन है कि लेबर इंक्रीजेस टोटल प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीजेज बट टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट और एट द लेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है कि विद इंक्रीज़ इन आवर्स ऑफ लेबर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज़ेस एट अ डिक्रीजिंग रेट अब अगर हम इन दोनों डायग्राम को अगर एक ही पैनल में शो करें क्या जी आपके पास फिगर वन में हम रिपोर्ट कर रहे हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और फिगर टू में मैं आपको शो कर रहा हूं टोटल कॉस्ट क्या जी पार्ट वेयर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट फिगर टू में क्या हो रहा है कि टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड द पार्ट वेयर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट वहां पे क्या हो रहा है कि आपकी टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है

तो उस पोर्शन में जाके आपकी जो टोटल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी एट एन इंक्रीजिंग रेट